चलिए स्टूडेंट, आज आपको बता रहे हैं कक्षा 12 मैथमेटिक्स प्रश्नवली 2.1। चलिए इसमें प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला नंबर प्रश्न दे रखा है साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। चलिए हमारे जो प्रश्न दे रखा है उसको हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर माइनस के 1/2, क्योंकि जब हम पक्षांतर करते हैं, यदि एक्स बराबर साइन वाई है, एक्स बराबर साइन वाई है, यदि इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, अर्थात यदि इधर साइन थीटा में है तो इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। अगर इधर इनवर्स में साइन इनवर्स वाई है बराबर एक्स है, यदि इधर इनवर्स में है, अब इसको साइन को हम इस पलट लाएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, थीटा में चेंज करेंगे, ये साइन में चेंज हो जाएगा, कैसे? वाई बराबर साइन एक्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया है, एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई, मान लीजिए ये वाई लिखा है, एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई लिखा है, तो हमने क्या किया, साइन को पक्षांतर कर लिया। जब साइन इनवर्स को पक्षांतर किया तो यहाँ बचेगा साइन एक्स बराबर माइनस के 1/2। चलिए एक्स बराबर, यदि साइन एक्स बराबर माइनस 1/2, ये साइन 30 अंश का मान, कितने का मान है? साइन 30 अंश इक्वल होता है 1/2, तो साइन 30 अंश का मान है, तो यहाँ इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन 30 अंश, माइनस लगा है तो माइनस लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन से हमारा साइन कैंसिल, काटते नहीं लेकिन यहाँ बता रहे हैं साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एक्स बराबर माइनस के 30 अंश। अब इसमें प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब हमको एक्स की वैल्यू ज्ञात हो गई, अब इसका मान हमको ज्ञात करना है, क्या? रेडियन चेंज करना है। रेडियन चेंज करेंगे, क्या करेंगे? एक्स बराबर माइनस 30 अंश क्रॉस पाई बाई 180 अंश। सभी प्रश्न में क्या करना है, 180 अंश से हमको भाग दे देना है। अब जरिए देखिए, 0 से 0 हम कैंसिल, बच्चा यहाँ क्या 3, 3 एक का 3, 3 6 18, तो यहाँ क्या बचा, एक्स बराबर क्या बचा, माइनस लिखा है, माइनस लिख लिए, और पाई बटे 6, अर्थात एक्स की वैल्यू हमको कितनी प्राप्त हुई, पाई, एक्स की वैल्यू एक्स बराबर माइनस पाई बाई 6। तो देखिए प्रश्न आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।